हेलो नमस्ते मेरो सम्पूर्ण साथीभाइहरुलाई आज चाहिँ म पेलिङको नजिक सिटक्यङ टुलकु बर्ड पार्कमा लिएर आएको छु। मेरो भिडियोलाई हेरेर तपाईले मन पराइदिनु हुन्छ भनेर आशा साँचेको छु। यो चाहिँ म्युजियम रहेछ, यहाँनिर चाहिँ फर्स्ट टाइम म्युजियम रहेछ। के चराको ल्याम्पर्सहरूको के को स्ट्याचुहरू बनाएर राखेको रहेछ। चराको अन्डा, चराको गुँडहरू पनि मजाले राखेको रहेछ। यहाँ रेड पान्डा, चितुवाहरू, ल्याम्पार्ड यस्तो स्ट्याचुहरू बनाएर राखेको रहेछ। राम्रो रहेछ, हामीले जति पनि देख्यौँ नानीहरूलाई चाहिँ एकदम हेल्प हुने रहेछ है, नानीहरूलाई चिनाउनुको लागि, मसिनो मसिनो नानीहरूलाई। तपाईँहरू पनि एकपल्ट आउनुभयो भने चाहिँ मजाले भिजिट गरेर जानुहोस् है। हाम्रो लोकलहरूलाई चाहिँ फ्री अफ कस्ट रहेछ, तर टुरिस्टहरूलाई चाहिँ फरेनरहरूलाई चाहिँ 100 रुपिस र 200 रुपिस यसरी टिकट रहेछ उनीहरूलाई चाहिँ। यो अन्डाहरू सबै चराको सबैको रहेछ है, प्यारोटहरूको रहेछ, ओलहरूको रहेछ, तपाईँ सबैको रहेछ यहाँनिर अन्डाहरू चाहिँ। भित्र त अझै राम्रो छ, भित्र जानुहोस् न। हामीलाई 15-20 प्रजातिको चराहरू छ भनेर भन्नुहुँदै थियो, र अब हामी भित्र नै जाने। इधरमै 15-20 टाइटलका डिफ्रेन्ट बर्ड चाहिँ बोल रहा था। तो बहुत अच्छा है, आप लोग भी एक बार विजिट करने के लिए आएंगे तो जरूर जाइए, बहुत अच्छा है। जितना तक हम लोग घूम रहे हैं अच्छा है। अभी बर्ड पैराडाइज लिखा हुआ है। तो यहाँ से उधर जाने में तो अच्छा दिखाई दे रहा है। सिटक्यङ टुलकु बर्ड पार्क एकदमै बर्ड्स का अच्छा बनाया हुआ है, इतना अच्छा बनाया हुआ है बाबर घूमने के लिए, तो बहुत अच्छा है। तो हम लोग आते रहते हैं लेकिन हम लोग अंदर जाते नहीं है, कभी कभी खाली जाते हैं। दामी बनाई देख, तो बाहर से देखने में भी अच्छा दिख रहा था, तो यहाँ से भी अच्छा है। हाँ सरू रही सर, जो ओपन बर्ड्स वगैरह है इसका अंदर में है। बर्ड्स पकड़ा बाहर में जाबल के ऐसा अच्छा किया हुआ है। ओपन पैरट्स पकड़ा इतना नजदीक दिख रहा है। तो किंगफिशर भी नीचे में है बोल रहा था, किंगफिशर वगैरह भी नीचे में है बोल रहा था। यस्तो हो नि है, यो प्यारोस वगैरह तिन नक्का घुसला वगैरह है। इतना नजदीक रैपिड्स है इधर में, रैपिड्स किंगफिशर वगैरह है इधर में भी रैपिड्स है। बर्ड्स वगैरह इतना नजदीक घूमता है तो बहुत अच्छा लगता है। हम लोग आते हैं लेकिन इधर घूमते नहीं है, लेकिन आज हम लोग घूमा तो
तीनों भाई लोग घूमा तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो बहुत अच्छा। आप लोग भी एक बार जरूर आके विजिट कर लीजिएगा, तपाईँहरू पनि हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू पनि एकपल्ट आएर हेर्नुहोस् है। स्काई वक त जानुहुन्छ, हामी जान्छौँ, र यो बर्ड पार्कहरू पनि एकपल्ट गएर घुमेर जानुहोस् है, एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई। अब यत्तिको हामीले हेर्नु त पाउँदैन अहिले, अब है चराहरू सबै हाम्रो कम्ती भएर गइसक्यो, चराचुरुङ्गीहरू सबै कम्ती भएर गइसक्यो है। एकपल्ट एकदमै मन खुसी हुँदो रहेछ, शान्ति हुँदो रहेछ, एकपल्ट जरुर आएर हेर्नुहोस् है। पर आके देख लीजिए, इतना अच्छा है, इतना अच्छा। जो अंदर ऊपर में था बहुत सारा, लेकिन मैंने नहीं खींच पाया क्योंकि वो अंदर में रखा हुआ है, पिंजरा का अंदर में रखा हुआ है, तो कैमरा से उतना अच्छे नहीं आते फ़ोन में, तो इसीलिए खींच नहीं पाया। ये ऊपर वाला है, सब में 20 से अबव है बोल रहा था, तो 20 से ऊपर टाइटल का है बोल रहा था चिड़िया वगैरह जितने भी है सब। बहुत अच्छा है निकलने घूमने के लिए, कम से कम भी एक घंटा लग जाता है। ये ड्रैगन वगैरह बहुत अच्छा बनाया है, मैच करता है जैसा अभी वीडियो में तो कैसे दिख रहा है मालूम नहीं है, लेकिन आप आंखों से देखेंगे ना आके तो मैच करता है, जो सही जगह में सही जगह में प्लेस किया हुआ है। ड्रैगन वगैरह हो गया, गार्डन वगैरह हो गया, अभी हम लोग गार्डन जा रहा हूँ, तो सभी बहुत अच्छा से बनाया हुआ है। इधर में भी ऐसा आता है, तो इसीलिए मैंने नहीं खींचा, तो पूरा जाली आ जाता है। इधर में बुद्ध भगवान का स्टैचू है, ये इधर में मिलने वाला कॉमन चिड़िया है, उसका तीनों उपदेश का बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो बोल के, ये तीनों है उसका जो ज्ञान है वो। ये है बर्ड पार्क का अंदर में ही गार्डन, छोटा वाला गार्डन है लेकिन अच्छा है ये। इसमें चिड़िया का वगैरह बनाया हुआ है ऊपर में, तो ये भी अच्छा दिखता है ये गार्डन। गार्डन भी बहुत अच्छा है, तो इधर में ये जितना भी फ्लावर अलग अलग सा है, ऑर्किड मेन ऑर्किड फोकस किया हुआ है, बहुत सारा ऑर्किड है। दाजू आज बहुत हैंडसम लग रहा है, हम लोग का बड़े भाई है। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच आप लोगों ने देखा, तो हवस्त आजको लागि चाहिँ यति नै। तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म अझै राबदेन्सीको पनि भिडियो लिएर आउनेछु नेक्स्ट भिडियोमा। हवस्त आजको लागि चाहिँ यति नै।